छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली बिल की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा विभिन्न चरणों में बिजली बिल को लेकर आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में रतनपुर भाजयुमो ने भी विरोध प्रदर्शन किया। रैली की शक्ल में भाजपा कार्यकर्ता बिजली ऑफिस पहुंची। यहां बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया। सुरक्षा नीति के नाम पर 2 गुना 3 गुना बिल मिलने से लोग परेशान है। जिन घरों में 200 से 300 से अधिक बिल भी कभी नहीं आया, उन घरों को 1,000 रुपए से अधिक का बिल भेजा गया है। कई घरों को हजारों रुपए का बिल मिला है। ऐसे भी कई घर हैं जो लंबे समय से बंद हैं, उन्हें भी भारी भरकम बिजली बिल भेजा गया है। एक तरफ राज्य विद्युत विभाग सुरक्षा निधि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर लोगों से वसूली कर रही है, तो दूसरी ओर अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना के बाद सभी को भारी भरकम बिल थमाने का भाजयुमो विरोध कर रही है। इसी तुगलकी फरमान और जनता के साथ छलावा बताया जा रहा है। इधर रतनपुर में बिजली विभाग के अधिकारी के अनोखे बोल हैरान करने वाले हैं। उनका मानना है कि बिजली बिल हाफ होने से लोगों ने बिजली का अधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी औसत खपत बढ़ गई। इसी वजह से बिजली विभाग उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रही है। वह कहते हैं कि राज्य सरकार का फैसला है जिसमें स्थानीय अधिकारी बेबस है। भाजयुमो रतनपुर मंडल अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कश्यप ने इसे बिजली बिल घोटाला का नाम देते हुए इससे राहत नहीं देने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार और अपने बिजली विभाग में सुरक्षा निधि के नाम पर लूट का पूरा जाल बिछा रखा है, यहाँ सुरक्षा निधि के नाम पर कई गुना हर गरीबों के बिजली बिल में राशि जोड़ दिया गया है, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इसका हम लोग मांग करते हैं कि ये जो सुरक्षा निधि के नाम पर जो लूट खसोट जो मचा है गरीबों का, वो बिल्कुल बंद हो। और युवा मोर्चा इस चीज़ का एकदम विरोध प्रदर्शन करता है और ये पूरे प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो सुरक्षा निधि के नाम पर जो गरीबों के घर में जो बिजली का जो झटका लगाया जा रहा है उसको माफ करें। यहाँ जिस तरीके से बात कर रहे थे, अतिरिक्त सुरक्षा राशि जो अभी बिजली बिल में जुड़ा है उसी के संबंध में ही बात कर रहे थे। अतिरिक्त सुरक्षा राशि के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि पहले बीपीएल में 1200 यूनिट तक का लिमिट किया गया था और बिजली बिल हाफ भी कभी योजना शासन को दिया जा रहा था। 50 रुपये बिल आने की वजह से सब लोग अपने उपयोग को बढ़ा दिए, इसके वजह से औसत बिल बढ़ गया। औसत बिल बढ़ने के कारण और बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए। अब बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए तो फिर कंपनी के नियमानुसार अतिरिक्त सुरक्षा राशि जोड़ा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा राशि ये कंपनी और शासन लेवल का है और जो आप लोग ने ज्ञापन दिया है उसको हम शासन स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रतनपुर से कैमरामैन देव यादव के साथ रवि ठाकुर की रिपोर्ट।